से बड़ी खबर है, जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल, चार लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। माझनपुर के रामपुर मडुकी गांव का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमकर लाठी डंडा चला है। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हुआ है। चार लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इसमें, और इस घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। चार लोग जख्मी हुए हैं। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह झड़प हो रही है, और इस झड़प में दोनों पक्षों की तरफ से पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मांझनपुर के रामपुर मडोकी गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। चार लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता शेषधर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। शेषधर, जो घटना सामने आई है कि जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, कहां का ये मामला बताया जा रहा है? ये कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझ कोतवाली का रामपुर मड़ुकी गांव का मामला है, जहां पे जमीनी विवाद पर दो पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्षों में जमकर, जिस तरह से तस्वीरें दिख रही, लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हुए। सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई वायरल वीडियो को लेकर नहीं की है। जी शेषधर, ये घटना जो है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये घटना कब की बताई जा रही है? ये घटना कल की जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रही है, कल घटना है। इस घटना के बाद पुलिस, हालांकि पुलिस तक संबंधित वीडियो पहुंच गया, अधिकारियों को बाइट करने की बात की गई है। अधिकारी अभी पल्ला झाड़ रहे इस मामले से, कोरोना का हवाला देकर, क्योंकि सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है, अधिकारी मिलने से कतरा रहे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कौशाम्बी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनपद है, यहाँ पे इस तरह की बातें आम हो गई है। दो दिन पहले भी करारी थाना क्षेत्र का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाद में एसपी ने घटना को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक इस मामले में कल से लेकर आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, खासकर मंझन और कोतवाली पुलिस पर बड़ा आरोप लग रहा है। शेजर जी, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है, तो दोनों पक्षों की तरफ से अभी पुलिस को इस मामले में तहरीर दी गई है कि नहीं? अभी पुलिस के पास केवल वायरल वीडियो पहुंचा है मीडिया के जरिए पहुंचा, लेकिन दोनों पक्षों को कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। क्योंकि गांव में वर्चस्व का मामला है, दोनों पक्ष किसी से कमजोर नहीं है। दोनों पक्ष पुलिस पास ना जाकर के आपस में इसी तरह मारपीट से, जो कौशाम्बी कल्चर चल गया बीते एक हफ्ते से, देखने कौशाम्बी में लगातार वायरल वीडियो आ रहे मारपीट के, उसके बाद हालांकि कहीं ना कहीं कौशाम्बी में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। शेषधर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।